कैसे हो मेरे बिग बॉस के चाहने वालों। तो गाइस, जो प्रेस मीट होने वाली है घर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी बिरादरी के कुछ लोग घर के अंदर गए हैं और भाई वो ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो काफ़ी बाहर की जनता भी जानना चाहती है। तो वही एक सवाल यहाँ पर आसिम रियाज से किया गया कि आसिम, जब आपकी गर्लफ्रेंड घर के बाहर है तो आपने हिमांशी को उस तरह से प्रपोज क्यों किया मेरे भाई? उस पर आसिम क्या बोलते हैं ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम है समर, ले आया हूँ आप लोगों के लिए बिग बॉस के घर से चटपटी खबर। आप देखते रहिए द हॉलीवुड रिपोर्टर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे विनम्र अपील है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाएँ सबसे पहले। बात करूँ प्रोमो की, तो प्रोमो में यहाँ पर रिपोर्टर पूछते हैं आसिम से कि आसिम, हिमांशी घर के अंदर आई, आपने इतना एक्साइटेड होकर उन्हें प्रपोज किया, तो क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी बाहर एक गर्लफ्रेंड भी है? इस पर आसिम साफ दोबारा झूठ बोलते नजर आते हैं कि बाहर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। किसने बोल दिया आपसे? कहाँ से ये खबरें आ रही हैं? किसने ट्वीट कर दिया? क्योंकि अब मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ तो एक नहीं तीन लोग भी ट्वीट कर सकते हैं मेरे बारे में। तो गाइज, क्या आसिम रियाज अभी भी ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? यहाँ पर श्रुति तुली का जो नाम है वो बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है, और रियाज की जो अच्छी दोस्त थी सोनल, उन्होंने भी यहाँ पर बताया है कि आसिम रियाज डेढ़ दो साल से लिव इन रिलेशनशिप में थे श्रुति तुली के साथ। लेकिन अब जो पूरा घर है यहाँ पर आसिम रियाज का, वो लोग इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। विकास ने भी ये क्लियर कर दिया घर के अंदर आकर, सलमान खान ने भी ये क्लियर कर दिया घर के अंदर आकर, और आसिम ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन आसिम का जो दिमाग है वो पता नहीं किस तरह चल रहा है। कभी वो बोलता है कि हाँ है कोई बाहर, कभी बोलता है कि कोई नहीं है, किसी का नाम नहीं है। अब आसिम क्यों इतना कंफ्यूज है इस बात को लेकर, वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन गाइज, आप क्या सोचते हैं कि आसिम को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? जो भी है कहना कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरे चैनल को देखते रहो। कीप ऑन वॉचिंग द हॉलीवुड रिपोर्टर।